हेलो एवरीवन ये टॉपिक आपका आईसीटी का है डिजिटल स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी बोर्डिंग सबसे पहले तो डिजिटल स्टोरी टेलिंग क्या होता है वो पढ़ेंगे ठीक है डिजिटल स्टोरी टेलिंग इज द यूज ऑफ डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यानी कि आजकल आप देख रहे हो ना कि हम लोग ई e, जैसे कहना चाहिए ई लर्निंग ई टेक बेसिकली हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं डिजिटल टूल्स को फॉर एग्जांपल आप अगर एक डायरी यूज़ कर रहे हो लिखने के लिए वो डिजिटल नहीं है बट अगर आप उसी को प्लानर को कंप्यूटराइज्ड वे में लैपटॉप में या कहीं पे भी आप यू you नो know, लिख रहे हो उस पर उस पर सेव कर रहे हो तो वो डिजिटल में आ जाता तो डिजिटल स्टोरी टेलिंग इज़ द यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी To create and share narratives. मतलब जो भी चीजें हैं जिसके थ्रो आप बताना चाहते होते हो कुछ शो करना चाहते हो वो सब चीजें आपके डिजिटल स्टोरी टेलिंग में आ जाती है इट गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग बाय इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट सचेज इमेजेस ऑडियो वीडियो एंड इंटरक्टिव एलिमेंट्स तो इसमें क्या होता है इसमें हम लोग ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग मेथड से अलग चले जाते हैं ठीक है बियॉन्ड ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग मेथड हम इसमें कई सारे मल्टीमीडिया एलिमेंट्स मल्टीमीडिया मतलब फोटो हो सकती है वीडियो हो सकती है कोई इमेज हो सकती है कोई आजकल जी आई एफ जिफ्स यूज हो रहे होते हैं वो यूज हो सकते हैं इंटरेक्टिव एलिमेंट यू नो इंटरेक्टिव इज नॉट समथिंग जस्ट वन थिंग कि आपने टेक्स्ट पढ़ लिया बट वो ऐसे होते हैं कि उसके थ्रू आपने कुछ यू नो प्रेस किया और उससे उधर से कुछ रिप्लाई आया दैट काइंड ऑफ थिंग्स कम्स अंडर द एक्टिव एलिमेंट ठीक है तो अब ऑडियो चल रही होगी साथ में कोई, आपको कोई कहानी या कोई भी चीज सुना रहा है तो इमेजेस आएंगी ऑडियोज आएंगी इफेक्ट्स आएंगे वीडियो क्लिप्स आएंगी म्यूजिक आएगा बीच बीच में टेक्स्ट आएगा तो ये जो अप्रोच है इससे आपका जो स्टोरी टेलिंग का एक्सपीरियंस है वो एनहेंस हो जाता है बहुत अच्छा हो जाता है अब मैं आपको एक सिंपल वे में एक्जाम्पल देती हूँ अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ और यू नो कंटेंट बहुत ज़्यादा है बट अगर मुझे कोई शॉर्ट चीज़ आपको बतानी हो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताना चाहती हूँ तो आप देखते हैं बहुत सारे चैनल्स ऐसा करते हैं कि वो लोग कोई चीज़ बताते हैं बट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे वो बहुत सारी इमेजेस ऑडियो वीडियो क्लिप म्यूजिक सब कुछ यूज़ करते हैं ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो आप उस चीज़ को एंजॉय करो है ना एंड इससे हमारी मल्टीपल सेंसेज इन्वॉल्व होती है मतलब आप देख रहे हो You know, you हो आप सुनने के बाद उस चीज को एनालाइज कर रहे हो बहुत सारी चीजें होती है वो सब आपकी मल्टीमीडिया एलिमेंट्स का मतलब अंदर आ जाती है और डिजिटल स्टोरी टेलिंग का पार्ट है इंटर एक्टिव फीचर का मतलब होता है जैसे मैंने आपको बताया ना वॉट डू यू थिंक यू विल डू इन दिस सिचुएशन आजकल ऐसे गेम्स चलते हैं या कुछ भी मान लीजिए तो उसमें लिखा है यस और नो या फिर गो लेफ्ट गो राइट Sorry for the writing, अभी समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। है? तो तो अब क्या हुआ? आपने पहले कोई बटन प्रेस किया? ठीक yes. तो से फिर एक और ऑप्शन आया दैट इज गो लेफ्ट और गो राइट सपोज एनीथिंग यू आर पे क्लिकेबल लिंक्स हैं, जिसको आप क्लिक कर सकते हो बटन हैं, या फिर ऐसे इंटरेक्टिव एलिमेंट्स हैं जिससे आप एक पाथ चूज कर रहे हो जो भी स्टोरी आपको सुनाई जा रही है तो आजकल आप कभी कभार आई डोंट नो इफ़ यू आर अवेयर अबाउट इट बट बहुत सारे प्रोग्राम्स भी आते हैं बहुत सारे ऐसे यू uh, नो you know, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर कि इंटरेक्टिव शो है तो उसमें आप चूज कर सकते हो कि कैरेक्टर क्या करेगा तो दैट कम्स अंडर इंटरक्टिव जहां आप भी कुछ यू नो इनपुट दे पा रहे हो ठीक है थर्ड चीज़ आती है डिजिटल स्टोरी टेलिंग में ऑडियंस एंगेजमेंट यानी कि हम चाहते हैं कि ऑडियंस एंगेज हो यानी वो जो व्यूअर है जो वो इस चीज़ को देख रहा है सुन रहा है वो उसको एंजॉय करे उसके लिए एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस क्रिएट हो पाए दैट कम्स अंडर ऑडियंस एंगेजमेंट ओके फिर आते हैं एक्सेसिबिलिटी पे डिजिटल स्टोरीज कैन बी इजीली शेयर्ड एंड एक्सेस्ड ऑनलाइन डिजिटल स्टोरीज़ को आप बहुत असा आसानी से शेयर कर सकते हो अभी आपका कोई बुक पढ़ने का मन है लेकिन आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो नॉ यू वांट टू वॉच द समरी ऑफ दैट बुक तो इट्स वेरी इजी आप उस समरी को पढ़ोगे और वहाँ पे वो आपको स्टोरी भी सुनाएंगे आपको बहुत सारे यू you नो know, वीडियोस दिखाएंगे इमेजेस दिखाएंगे तो वो चीज़ आपने एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ी और वो बहुत आराम से ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन आपको मिल जाएगी तो डिजिटल स्टोरीज कैन बी इजीली शेयर्ड एंड दे कैन बी एक्सेस्ड ऑनलाइन जो एक ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचती है दे कैन बी शेयर्ड ऑन वेबसाइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और थ्रू अदर डिजिटल चैनल्स तो इन सबको आप शेयर भी कर सकते हो वेबसाइट्स के थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या दूसरे जो डिजिटल चैनल्स होते हैं उन सब के थ्रू ठीक है तो ये आपका किसके अंदर आया एक्सेसिबिलिटी के अंदर आया देन कम्स एजुकेशनल एप्लीकेशंस आजकल डिजिटल स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहेंस करने में नाउ व्हाट डज दैट मीन्स यानी कि हम आजकल एजुकेशन सेक्टर में डिजिटल स्टोरी टेलिंग को यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बेटर हो ठीक है इससे स्टूडेंट्स क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को क्रिएटिवली वो अपने बारे में बताना चाहते हैं आजकल स्कूल में ऐसा नहीं है कि बुक लेके आओ कॉपी लेके आओ आजकल बहुत सारे तरीकों से पढ़ाया जा रहा है सपोज एक बच्चे को काम दिया कि आपको एक बेटा ये जो एक पूरा टॉपिक है इसके बारे में बताना है और बहुत इंटरेस्टिंग में बताना है तो हो सकता है वो बच्चा प्रेजेंटेशन यूज़ करेगा हो सकता है वो कोई और कॉन्टेंट शो करेगा किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक अच्छे वे में शो कर सकता है तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो और ऑब्वियसली टीचर भी ये काम कर रहे हैं बिकॉज वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं बट दे डोंट वॉन्ट टू लूज द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट मतलब वो ये नहीं चाहते कि बच्चे का इंटरेस्ट ना आए मतलब वो पढ़े बट पढ़ उसको यू you नो know, वो मजे ही नहीं आ, आ रहा क्लास में बोर हो रहा है या फिर ऐसा बहुत ही सी क्लास हो रही है तो टीचर्स भी ये नहीं चाहते तो दे आर यूजिंग मल्टीपल एजुकेशनल एप्लीकेशंस जिससे वो एक एक्सपीरियंस अच्छा हो टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स कई टूल्स एंड प्लेटफॉर्म जैसे कि डिजिटल स्टोरी टेलिंग एप्स हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आजकल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे हर बच्चे के लिए हर इंडिविजुअल के लिए आसान हो गया है कि वो डिजिटल स्टोरीज को क्रिएट करें ठीक है इट इज़ वेरी इजी नाउ फॉर देम टू क्रिएट द डिजिटल स्टोरीज तो ये सब चीजें आपकी डिजिटल स्टोरी टेलिंग में आ गई एक स्टोरी टेलिंग होती थी बचपन में जब हम छोटे थे फर्स्ट सेकंड क्लास में कोई आके कहानी सुनाता था अब उसको बहुत ही डिजिटलाइज कर दिया है नाउ इट आपको स्टोरी ही सुनने को मिल रही है बट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे कोई उसमें यूज कर रहा है मल्टी कोई उसमें ऐसे इंट्रैक्टिव फीचर्स यूज कर रहा है आपका पूरा ध्यान उस पर लगा हुआ है यू आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड ठीक है तो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिजिटल स्टोरी टेलिंग बट नाउ वट अबाउट द स्टोरी बोर्डिंग क्या होता है Let's look at the storyboarding. Storyboarding एक visual planning tool है। देखो, मैं कोई भी काम करना चाहती बेसिक uh, एग्जाम्पल uh, देती हूँ कि आप कैसे कोई एग्जाम क्लियर कर सकते हो सपोज आई वॉन्ट टू टेल यू दैट सी टेट हाउ यू कैन क्लियर सी टेट एग्जाम ओके सो आई बहुत बेसिक बहुत एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ तो अब ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि मैंने बस वीडियो बनानी शुरू कर दी कि आप ऐसे 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 कर लो नहीं मेरे दिमाग में पहले एक प्री प्रोडक्शन फेज़ होगा चाहे इतने अच्छे लेवल पे ना हो जैसे बहुत लोग करते हैं बट एक ऐसा होगा कि मैं आपको बताऊंगी कि बेटा आप ये कर सकते हो ये कर सकते हो आप यू uh, नो you know, पर मैं उस चीज़ को बताने से पहले लिखूंगी आई विल प्लान आउट थिंग्स कि मैं आपको किस तरह से बताने वाली हूँ कौन से पॉइंट्स पहले बताने वाली हूँ तो वो एक प्री प्रोडक्शन है चलो अब एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ कोई भी मूवी बनती है तो मूवी बनने के लिए कोई ऐसा थोड़ी होता है कि डायरेक्टली एक्टर एक्ट्रेस आए और डायरेक्टर आए और बस शूट शूट करना शुरू कर दिया नो द प्रॉपर फेज है ना मतलब आपका पहले डिसाइड होता है कि इस सीन में क्या होगा कौन कौन कहाँ पे खड़ा होगा कौन कौन एक्टिवेट मतलब एक्टिवेट करे हो पार्टिसिपेट करेगा एंड व्हाट ऑल इज गोइंग टू हैपन इन दिस पर्टिकुलर सीन जो एक पर्टिकुलर जगह पे शूट हो रहा है एंड सपोज उस सीन uh, को अलग अलग जगह पे शूट करना है या फिर बहुत सारी अलग अलग जगहों पर हमें कोई या एक ही जगह पे हमें पांच छह सीन शूट करने हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसको प्लान करते हैं सो दैट कम्स अंडर द प्लानिंग पार्ट प्री प्रोडक्शन फेज तो हम उसको पहले प्री प्लान करते हैं ठीक है उसके बाद अब इसमें क्या होता है ना आपको एक सीक्वेंस क्रिएट करने होते हैं जैसे कि सपोज आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ बताना चाह रहे हो लेकिन आप उसको रैंडमली नहीं कर सकते आपको ये बताना पड़ेगा कि पहले सीक्वेंस में क्या हुआ है फिर आप उसमें शो करोगे कि ये चीज़ें दिखाई जाएंगी फिर आप दूसरे सीक्वेंस में क्या हुआ है क्या चीज़ शो होगी तीसरे सीक्वेंस में क्या होगा क्या चीज़ शो करनी है या ऑडियो यहाँ पे पुट करनी है एवरीथिंग यू हैव टू पुट इन डिटेल एंड दैट ठीक है? अब इसके कुछ हैं। वो discuss कर लेते हैं जैसे कि विजुअल तो आप कोई स्टोरी या प्रोजेक्ट को एक सिस्टमैटिक वे में विजुअली शो करते हो जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ दो तरह से होता है कई बार आपको सपोज कोई स्टोरी या कॉमिक दिखानी है या कोई एड दिखाना है तो आप एक रैंडमली ऐसे डिजाइन कर लोगे कि यहाँ पे कैरेक्टर्स ये कर रहे हैं यहाँ पे कैरेक्टर्स ने बात करी यहाँ पे कैरेक्टर्स इस यू नो ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं बट ये मैंने क्यों किया बिकॉज मैं जो करने वाली हूँ जो प्रोजेक्ट करने वाली हूँ उससे पहले मैं एक ब्लू एक उसका ढांचा एक फ्रेमवर्क तैयार करना चाहती हूँ टू शो माय नैरेटिव या फिर मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से सीक्वेंस काम करेंगे कैमरा एंगल किस तरह से काम करेगा ठीक है ये हमारा हुआ विजुअल प्लानिंग फिर आता है कम्युनिकेशन टूल अब ये जो स्टोरी बोर्ड्स है ना

बेस्ट तरीका क्या है मैं उसको बताऊंगी शायद तो उसको नहीं क्लियर होगा बट मैं उसको अगर रिप्रेजेंट करूंगी कि देखो ये है ये मेरी प्लानिंग है आप इसको देखो आप देखो कौन सी ऑडियो यूज हुई है देखो क्या क्या चीजें हैं तो वो जो पर्सन है वो मेरे नजरिए से उसको देख पाएगा है ना तो ये एक कम्युनिकेशन जरिया है एक दूसरे को अपना कॉन्सेप्ट समझाने का किसी टीम मेंबर में आपस में बात होने का फिर आता है टाइमिंग एंड पेसिंग जब आप कोई भी सीन या इवेंट को एक बहुत ही सिक्वेंशियल मैनर में प्रेजेंट करते हो तो उससे आपको टाइमिंग के बारे में पता रहता है कि अच्छा यहाँ पे ये साउंड देना है आफ्टर फाइव मिनट्स हमें ये पर्टिकुलर साउंड कट करना है जब आपने ये चीज़ एक सिक्वेंशियल मैनर में शो करी है ना तो हमें एक्जैक्टली exactly पता रहता है कि टाइमिंग क्या है क्या पेस है स्टोरी का एंड ये चीजें बहुत मैटर करती है देखो पढ़ाने वाली वीडियोज में इसका कुछ यूज नहीं होता है एज सच बट वेन यू आर मेकिंग समथिंग विजुअली अपीलिंग जैसे अगर आप कोई वीडियो साइंस की देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि उसने बहुत ही अच्छे से फैक्ट बताया प्लस उसने साउंड यूज किया या उसने कोई विजुअल मल्टीमीडिया रिसोर्सेज यूज करे तो वो आपके लिए बहुत एंगेजिंग हो जाते हैं है, है ना तो वो चीज यहाँ पे मैटर करती है एंड देन फीडबैक एंड आइटेशन मतलब स्टोरी बोर्ड से आपको क्या होता है ना फीडबैक मिल जाता है कि सपोज आपने एक स्टोरी बोर्ड प्रेजेंट किया था बट नाउ समवन हैज रिव्यूड इट एंड उन्होंने बोला कि नहीं नहीं यहाँ पे चेंजेस होने चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव ला देते तो एक्चुअल जब काम शुरू होगा उससे पहले रिविजन भी हो गया फाइनल डिसाइड भी हो गया और चेंजेस भी हो गए सबका इनपुट भी आ गया एंड देन ऑल्सो जब आप स्टोरी बोर्ड प्रिपेयर करते हो तो आपके लिए आसान हो जाता है कॉस्ट एंड रिसोर्स प्लानिंग करना मतलब सपोज आपने अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ बहुत बेसिक अभी कोई मूवी बनाता होगा तो मूवी में ये थोड़ी है कि एक दिन में बैठ के डिसाइड हो गया कि ये 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 इतना खर्चा हो जाएगा नहीं दे प्लान एवरी सिंगल सीन और उसके अकॉर्डिंग वो ये सोचते होंगे कि अच्छा ये लोकेशन यहाँ पर है यहाँ पे ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या है एंड वो हर सीन के साथ ये सब करते हैं तो ये आपका अब सपोज कोई छोटा प्रोजेक्ट भी है सपोज़ कोई एनजीओ कोई प्रोजेक्ट कर रहा है वो एक ऐड बनाना चाहता है वाटर सेव मतलब वाटर सेव करने पे बट अगर उन्हें ये चीज़ प्लान करनी है और कुछ लोगों की ज़रूरत है कुछ प्रॉप्स चाहिए तो उन्हें पहले ही पता चल जाएगा जब वो अपनी स्टोरी बोर्डिंग प्रिपेयर करेंगे कि कॉस्ट और रिसोर्स प्लानिंग कैसे रहने वाली ठीक है प्लस टाइम कितना लगेगा बजट कितना होगा कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज लाने सब चीजें उनको क्लियर हो जाती है एंड फाइनली जब आपका स्टोरी बोर्ड एक बार फाइनलाइज हो जाता है तो ये चला जाता है प्रोडक्शन फेज में यानी नाउ यू कैन वर्क अपॉन स्टोरी बोर्ड में जो भी आप उसको फाइनल स्टेज में ले जा सकते हो एंड देन फिल्मिंग और क्रिएशन वो बहुत ही डीप हो गया बिकॉज इतना हम लोगों को नहीं पढ़ना है हम लोगों को बस ये देखना था कि डिजिटल आपका जो स्टोरी टेलिंग है और स्टोरी बोर्ड है वो क्या है एंड ये कॉन्सेप्ट ना अभी रिसेंटली पहले बी में नहीं पढ़ाए जाते थे अभी इनको ऐड किया गया बिकॉज यू नो एज हर चीज में चेंज आ रहा है तो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं एंड एज अ टीचर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए बिकॉज सम डे मे बी आप जब कुछ शो करोगे क्लास में तो आप इस चीज के बारे में बता पाओगे इसको यूज भी कर पाओगे ऑन नॉट अ वेरी लार्ज स्केल बट एक स्मॉल स्केल पे आप इसको यूज कर सकते हो नाउ आपको इसकी अगर प्लेलिस्ट देखनी है इस सब टॉपिक की तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना पड़ेगा बाकी प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर चेक कीजिएगा यू विल फाइंड मेनी यूजफुल वीडियोज बी एड एम एड सीटेड और अलग अलग यूनिवर्सिटीज की एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो so मच